सब्सक्राइब कीजिए टीच मी डेली यूट्यूब चैनल और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह मेहरा, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए सेंड मैसेजेस को डिलीट करने का फीचर लॉन्च कर दिया है। इस नए फीचर की मदद से आप किसी को भी भेजे गए मैसेजेस जैसे टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस, GIF इमेज या फिर डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नए फीचर के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टीच मी डेली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस फीचर का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। आप इसे प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। इसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप डायरेक्टली वहां पर से जाकर इस ऐप को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आते हैं और व्हाट्सएप के इस नए फीचर डिलीट फॉर ऑल को यूज करने के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर से देखिए, मैं किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजता हूं। अब देखिए, यहां पर से वो मैसेज उनको सेंड हो गया है। अब इस मैसेज को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस मैसेज को प्रेस और होल्ड करूंगा। अब यहां पर से मैं डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहां पर से देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट फॉर मी, कैंसिल और डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर मी मतलब आप इसे सिर्फ अपने फोन पे ही डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन यूज करेंगे तो आपने जिसको मैसेज भेजा है उसके फोन से भी मैसेज डिलीट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं यहां पर से डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन चूज करूंगा तो यहां पर से देखिए लिखा आ गया है कि यू डिलीटेड दिस मैसेज। अब इसे मैं आपको रिसीवर के फोन पे दिखाता हूं जिसको मैंने ये सेंड किया था तो यहां पर से देखिए लिखा आ गया है कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। तो जो मैसेज मैंने भेजा था उसे मैंने डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन की मदद से डिलीट कर दिया है और इन्हें पता भी नहीं लगा कि मैंने क्या मैसेज भेजा था। आप इस फीचर की मदद से रीड किए गए मैसेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक मैसेज सेंड करता हूं। अब यहां पर से देखिए, उन्होंने इस मैसेज को रीड कर दिया है। मैं इसे यहां पर से डिलीट करता हूं, डिलीट फॉर एवरीवन। तो यहां पर से देखिए, उनके फोन पे भी यह मैसेज डिलीट हो गया है, भले ही उन्होंने ये मैसेज पहले पढ़ लिया हो, तब भी आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इस डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की मदद से आप 7 मिनट के अंदर किसी भी मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं, फिर चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, GIF इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज हो। अब मैं आपको यहां पर से फोटो डिलीट करके दिखाता हूं। तो यहां पर से मैंने एक फोटो सेंड की, अब ये मैसेज पहुंच गया है और रीड भी हो गया है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर से इसको सेलेक्ट करता हूं और डिलीट करता हूं। तो ये मैसेज मैंने डिलीट कर दिया। अब यहां पर से देखिए, दूसरे फोन में ये मैसेज डिलीट हो गया है। ये जो फोटो मैंने सेंड की थी ये इस दूसरे फोन में डाउनलोड हो गई थी, तो मैं इसे यहां पर से मीडिया में जाकर देखता हूं। यहां पर से देखिए, मीडिया में भी वो फोटो अवेलेबल नहीं है, यानी कि जिसको मैंने ये फोटो सेंड किया उसके फोन से भी ये फोटो डिलीट हो गया है। इसी तरीके से आप गलती से किसी को भी भेजे गए वीडियोज, GIF इमेजेस या फिर डॉक्यूमेंट्स को इस नए फीचर की मदद से डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ उनके चैट बॉक्स से ही नहीं बल्कि उनकी गैलरी से भी आप इनको डिलीट कर सकते हैं, फिर चाहे वो मैसेज उन्होंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इस नए फीचर के बारे में एक बात बता दूं कि आप 7 मिनट के पहले पहले ही इस मैसेज को डिलीट कर लें, क्योंकि 7 मिनट के बाद इन सेंड मैसेजेस को आप डिलीट नहीं कर सकते। इस नए फीचर की मदद से आप पर्सनल मैसेज ही नहीं बल्कि ग्रुप में भेजे गए मैसेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि व्हाट्सएप में सेंड किए गए मैसेजेस को कैसे डिलीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
इसी तरीके के और वीडियोस हिंदी में और फ्री में देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे यह होगा कि आगे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।